भाइयों, मैं लवदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम लोग बात करेंगे गन्ने की एक ऐसी वैरायटी के बारे में जो कि किसान भाइयों लेट बुआई होने के बावजूद भी किसान भाइयों बहुत ही अच्छा जो है उसका रिजल्ट जो है देखने को नहीं मिल रहा है। ये गन्ने की एक नई वैरायटी है और काफ़ी लेट बुआई होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी हाइट और हाइट के साथ साथ मोटाई भी काफ़ी अच्छी करती है। तो इसी वैरायटी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तृत जानकारी किसान भाइयों देंगे। समझो ये वीडियो में आप वैरायटी देख पा रहे हैं, ये किसान भाइयों COLK 15201 ये लखनऊ की वैरायटी है, देख सकते हैं। और इसकी जो बुआई है किसान भाइयों वो हमने 25 अप्रैल को की थी गेहूं काट के। और आप यहां पे इसकी लंबाई सबसे पहले देख सकते हैं कि लंबाई जो है वो लगभग जो है 12-13 फीट की किसान भाइयों लंबाई जो है हो चुकी है। क्रॉस करके गन्ना जो है यहाँ पे बंधाई हुई है, देख सकते हैं इसको क्रॉस करके बांधा गया है। और उसके बावजूद भी आप देख पाएंगे कि लगभग जो है 12-13 फीट का गन्ना जो है वो हो रहा है। ये है गेहूं काट के हमने बोया था 25 अप्रैल को, उसके बावजूद भी अब जो है मार्च में आ चुका है। तो काफ़ी अच्छी जो है इसकी लंबाई जो है वो देखने को मिल रही है। लंबाई के साथ साथ आपको इसकी मैं मोटाई भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि लंबाई के साथ साथ इतनी लेट बुआई होने के बावजूद भी देख सकते हैं कि मोटाई भी जो है गन्नों की जो है वो काफ़ी अच्छी है। देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी मोटाई जो है इसकी देखने को मिलती है। तो ये जो है ख़ास बात है इस वैरायटी की। और लंबाई जो है काफ़ी अच्छी है और मोटाई भी देख सकते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब लेट काफ़ी बुआई होती है गन्नों की तो मोटाई जो है उस प्रकार की देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये 15201 है, काफ़ी अच्छी जो है लंबाई है। लंबाई के साथ साथ मोटाई जो है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है इसकी। और इसके साथ साथ इसकी टिलरिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। और लेट बुआई होने के बावजूद भी आप देख पाएंगे कि एक ख़ास चीज़ इसमें देखने को मिल रही है कि इसके जो टिलर्स हैं यानी कि जो पेड़ी का फुटाव वो भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। देख पाएंगे यहाँ पे कि अभी से टिलर जो हैं पेड़ी का फुटाव जो है होने लग गया है, नीचे से देख सकते हैं, कई जगह पर देख सकते हैं। तो ये एक चीज़ ये इससे सिद्ध हो जाती है कि इसकी जो पेड़ी है वो भी काफ़ी पेड़ी का जो फुटाव है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, यानी कि इसकी जो पेड़ी है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी इस वैरायटी की। और रोगों की अगर स्थिति की बात करें तो कोई भी रोग जो है वो देखने को नहीं मिलता इसमें। हमने किसी भी प्रकार का कोई भी इंसेक्टिसाइड ना ही फंगीसाइड का इस्तेमाल जो है हमने नहीं किया था इसमें। और देख सकते हैं कि अगौले वगैरह भी काफ़ी हरे भरे हैं अभी तक। ये लगभग आज जो है 20 मार्च है और अभी तक देख सकते काफ़ी गर्मी भी पड़ने लग गई है, लेकिन अगौले अभी तक जो है हरे भरे इसके देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो है ख़ास बात है इस वैरायटी की। और अगर इसके उत्पादन की बात करें तो अगर आप इसकी बुवाई जो है लेट भी करते हैं तब भी आप जो है इसका उत्पादन जो है किसान भी वो लगभग जो है 350 से 400 कुंटल तक जो है आराम से जो है आप इसका उत्पादन जो है वो ले सकते हैं। इस प्रकार की जो है इस गन्ना वैरायटी की जो है वो लंबाई है और लंबाई के साथ साथ जो है इस गन्ने की मोटाई जो है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो इसलिए जो है जो हमारे किसान भाई जो हैं वो लेट बुआई करना चाहते हैं यानी कि थोड़ा सा लेट 25 मार्च के बाद और अप्रैल तक जो है गेहूं काटकर अगर गन्ने की बुआई करना चाहते हैं तो वो जो है किसान भाई इस गन्ना वैरायटी का चयन जो है इस बार जो है गन्ना बुआई के लिए कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, नई वैरायटी है, रोगों की कोई भी दिक्कत नहीं है और गन्ने की मोटाई जो है वो भी अच्छी है। और गन्ना जो है वो टाइटपन में है यानी कि इसका जो बाहर का छिलका होता है वो काफ़ी टाइट है। ऐसा नहीं है कि जैसे 15-23 वगैरह गन्ना होता है उस प्रकार से ये नरम गन्ना नहीं है, काफ़ी टाइटपन में भी है और गिरने की समस्या भी काफ़ी कम देखने को मिलती है। एक दो बंधाई अगर आप कर देंगे तो काफ़ी गन्ना जो है वो सीधा खड़ा रहता है। और ये थी किसान भाइयों कुछ सामान्य जानकारी इस गन्ना वैरायटी के बारे में। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।